नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कटारिया फार्मेसी में। अभी हमारा टॉपिक है ड्रग्स अफेक्टिंग ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन। हम यहाँ इनके MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी GPAT, NIPER या अदर फार्मेसी से फील्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल आयरन प्रिपरेशंस कैन बी फैसिलिटेटेड बाई को एडमिनिस्ट्रिंग। ऑप्शन से एंटासिड्स, टेट्रासाइक्लाइंस, फॉस्फेट्स एंड एस्कोर्बिक एसिड। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, एस्कोर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ इंजेस्टेड आयरन इन द बॉडी बाई रेगुलेटिंग द एबिलिटी ऑफ एपोरफेरिटिन विच एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ आयरन अक्रॉस द म्यूकोसल सेल। ऑप्शन बी है रेगुलेटिंग द टर्न ओवर ऑफ एपोफेरिटिन फेरिटीन इंटर कन्वर्जन इन द मस इन द म्यूकोसल सेल। ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्सिंग एक्सेस आयरन टू फॉर्म फेरिटीन विच रिमेन्स स्टोर्ड इन द म्यूकोसल सेल एंड इज शेड ऑफ। एंड ऑप्शन डी है रेगुलेटिंग द नंबर ऑफ ट्रांसफरिन रिसेप्टर्स ऑफ ऑन द म्यूकोसल सेल। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्सिंग एक्सेस आयरन टू फॉर्म फेरिटीन विच रिमेन्स स्टोर्ड इन द म्यूकोसल सेल एंड इज शेड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयरन डेफिशियंट स्टेट ट्रांसफर इन रिसेप्टर्स इंक्रीज द इन द नंबर ऑन द नंबर ऑन द। ऑप्शन है इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल, एरिथ्रोपोइटिक सेल, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल एंड ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, इरिथ्रोपोइटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ एलिमेंटल आयरन इन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट इज 5%, 10%, 20%, 33%। राइट आंसर ऑप्शन सी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ओरल आयरन प्रिपरेशंस विच डज नॉट इम्पार्ट मेटालिक टेस्ट एंड हैज गुड ओरल टॉलरेबिलिटी डिस्पाइट हाई आयरन कंटेंट बट वूज एफिकेसी इन ट्रीटिंग आयरन डेफिशियंसी एनीमिया हैज बीन क्वेश्चन। ऑप्शन है आयरन हाइड्रोक्सी पॉलीमेलेटोज, फेरस सक्सिनेट, फेरस फ्यूमरेट एंड फेरस ग्लूकोनेट। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसमें आयरन हाइड्रोक्सी पॉलीमेलेटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेली डोज ऑफ एलिमेंटल आयरन फॉर मैक्सिमल हेमोपोएटिक रेस्पॉन्स इन एन एनेमिक एडल्ट इज 30 mg, 100 mg, 200 mg एंड 500 mg। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 200 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड इफेक्ट विच प्राइमरीली लिमिट्स एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ओरल आयरन थेरेपी इज एपिगेस्ट्रिक पेन एंड बोवेल अपसेट, ब्लैक स्टूल्स, स्टेनिंग ऑफ टीथ एंड मेटेलिक टेस्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, एपिगैस्ट्रिक पेन एंड बाउल अपसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीवियरिटी ऑफ साइड इफेक्ट्स टू ओरल आयरन मेडिकेशन। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, टॉलरेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंटल आयरन इन द मेडिकेशन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड इंडिकेशन फॉर पेरेंट्रल आयरन थेरेपी। ऑप्शन है इंडिक्वेट रेस्पॉन्स टू ओरल आयरन ड्यू टू पेशेंट मैनकॉम्प्लियंस। ऑप्शन बी है एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन सी है सीवियर एनीमिया एसोसिएट विद क्रॉनिक ब्लीडिंग। एंड ऑप्शन डी है एनीमिया इन ए पेशेंट ऑफ एक्टिव र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन सोर्बिटल सिट्रिक एसिड डिफर्स फ्रॉम आयरन डेक्सट्रेन इन दैट। ऑप्शन है इट कैन नॉट बी इंजेक्टेड IV, इट इज़ नॉट एक्सक्रेटेड इन यूरिन, इट इज़ नॉट बाउंड टू ट्रांसफेरिन इन प्लाज्मा। एंड ऑप्शन डी है इट प्रोड्यूस फीवर साइड इफेक्ट्स। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, इट कैन नॉट बी इंजेक्टेड IV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयरन थेरेपी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफाइलेक्टिक आयरन थेरेपी मस्ट बी गिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेशेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हैज़ बीन पुट ऑन आयरन थेरेपी, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ राइज इन हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ ब्लड सो दैट रेस्पॉन्स इज कंसिडर्ड एडिक्वेट। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 0.5 to 1 ग्राम परसेंट पर वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग चिलेटिंग एजेंट शुड नॉट बी यूज सिस्टेमिकली टू ट्रीट एक्यूट आयरन पॉइजनिंग इन अ चाइल्ड, टेस्फेरिक्सोमाइन, कैल्शियम एडिटेट, डाइमरकेप्रोल एंड ऑप्शन डी कैल्शियम डाइसोडियम डाइथाइलिन ट्राइएवरिन पेंटा एसिटिक एसिड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डाइमरकेप्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑकर्स इन, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइदर विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन रिक्वायरिंग विटामिन B12 बट नॉट फोलेट इज कन्वर्जन ऑफ मेलोनिक एसिड टू सक्सिनिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ हिमोसाइस्टिनिक टू मिथायोनिन एसिड एंड ऑप्शन सी है कन्वर्जन ऑफ सेरिन टू ग्लाइसिन एंड ऑप्शन डी है थायमिडिलेट सिंथेसिस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कन्वर्जन ऑफ मेलोनिक एसिड टू सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 बाय एन एडल्ट इज एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 to 3 μg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी विटामिन B12। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी, ए है गैस्ट्रिक एसिड एंड बी है गैस्ट्रिक इंट्रांसिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 60-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड विद एनोरेक्सिया वीकनेस प्री पेरेथेसिया एंड मेंटल चेंजेज, हिज टांग वॉज रेड, टेंडन रिफ्लेक्सेज वर डिमाइंस्ड, हीमोग्लोबिन वॉज 6 ग्राम परसेंट विद लार्ज रेड सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स हैड हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लाई, एंडोस्कोपी रिवेल्ड एट्रोपिक गैस्ट्रिक डेफिशिएंसी ऑफ विच फैक्टर इज लाइकली टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज कंडीशन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ मिथाइल कोबलामिन इंक्लूड द फॉलोइंग एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट इज़ एन एक्टिव कोएंजाइम फ्रॉम विटामिन B12। ऑप्शन बी है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एस एडिनोसिल मेथियोनिन एंड ऑप्शन सी है, इट इज स्पेसिफिकली इंडिकेटेड फॉर करेक्टिंग न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी। तीनों इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सोकोबलामिन डिफर्स फ्रॉम साइनोकोबलामिन इन दैट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी, ए है इट इज मोर पोटेंट, इट इज़ मोर प्रोटीन बाउंड एंड बेटर रिटेन एंड ऑप्शन बी है इट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल इन टोबेको एम्ब्लोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलपिंग अंडर द फॉलोइंग कंडीशन इज ड्यू एंटायरली टू फोलेट डेफिशियंसी नॉट एसोसिएट विद विटामिन B12 डेफिशियंसी एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, फेनिटोइन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वॉज ट्रीटेड विद ओरल फोलिक एसिड 5 mg डेली, आफ्टर 2 weeks ही रिपोर्टेड बैक विद कंडक्टिव डिफिशियट सेंसरी डिस्टर्बेंस डिप्रेस्ड नीजार्क वाइल ब्लड पिक्चर एंड हीमोग्लोबिन लेवल वर इम्प्रूव्ड, वॉट कुड बी द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेशेंट हैज फोलेट रिडक्टेज एबनॉर्मलिटी इन द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोलिनिक एसिड इज स्पेसिफिकली इंडिकेटेड फॉर एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काउंटर एक्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ हाई डोज मेथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इरिथ्रोपोइटिन इज इंडिकेटेड फॉर, ऑप्शन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया इन पेशेंट ऑफ थैलेसेमिया एंड ऑप्शन डी है एनीमिया इन क्रॉनिक रेनल फेलियर पेशेंट्स एंड राइट आंसर ऑप्शन डी, एनीमिया इन क्रॉनिक रेनल फेलियर पेशेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक रेनाल फेलियर मेंटेन ऑन इंटरमीडिएंट हीमोडायलिसिस हैज एनीमिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आयरन थेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल ड्रग इज इंडिकेटेड? ऑप्शन है एपोइटिन, साइनो कोबलेमिन, फॉलिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, एंड राइट आंसर है ऑप्शन ए एपोइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग ऑकरिंग इन पेशेंट? ऑप्शन से बीइंग ट्रीटेड विद हिपेरिन, बीइंग ट्रीटेड विद स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑप्शन सी है ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, एंड ऑप्शन डी है ऑफ पेप्टिक अल्सर, एंड राइट आंसर ऑप्शन सी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द प्रिपरेशंस ऑफ विटामिन के दैट शुड नॉट बी इंजेक्टेड इन द न्यू बॉर्न, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में क्या है, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। बी है मेनाडायोन एंड सी है मेनाडायोन सोडियम डाइफोस्पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनाडायोन विटामिन के थ्री कैन प्रोड्यूस कैर्निकेचर्स इन नियोनेट्स बाई, एंड इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी। ए है इंड्यूसिंग हीमोलाइसिस एंड बी है इनहिबिटिंग ग्लूकोरोनिडेशन ऑफ बिलिरुबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इथमेसाइलेट, एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें, इट चिक्स कैपिलरी ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी मैकेनिज्म बाई विच हिपेरिन प्रिवेंट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फैसिलिटेशन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन थर्ड मीडिएटेड इनहिबिशन ऑफ फैक्टर एक्स ए एंड थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ हिपेरिन सेलेक्टिवली इंटरफेयर विद द फॉलोइंग कोगुलेशन पाथवे। ऑप्शन है इंट्रांजिक पाथवे, एक्सट्रांजिक पाथवे, कॉमन पाथवे, एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी, एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इंट्रांजिक पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो डोज ऑफ हिपेरिन प्रोलॉन्ग, ऑप्शन से ब्लीडिंग टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी, एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एक्शन ऑफ हिपेरिन इज एसेंशियल फॉर इनहिबिशन ऑफ फैक्टर एक्स ए, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडक्शन ऑफ ए को कॉन्फिग्रेशनल चेंज इन एंटी थ्रोम्बिन थर्ड टू एक्सपोजिट्स इंटरैक्टिंग साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज ट्रू हिपेरिन एक्सेप्ट, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिपेरिन इज द फिजियोलॉजिकली एक्टिव सर्कुलेटिंग एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन डिफर फ्रॉम अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन इन दैट दे, ऑप्शन है द सेलेक्टिव इनहिबिट फैक्टर एक्स ए, दे डू नॉट सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम, दे आर मेटाबोलाइज्ड स्लोली एंड हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन हैव द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर अनफ्रैक्शनेट हिपेरिन एक्सेप्ट, ऑप्शन है हायर एफिकेसी इन आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, लेस फ्रिक्वेंट डोजिंग, हायर एंड मोर कॉन्सिस्टेंट सबक्यूटेनियस बायोबिलिटी, एंड ऑप्शन डी है लेबोरेटरी मॉनिटरिंग ऑफ रेस्पॉन्स नॉट रिक्वायर्ड, एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हायर एफिकेसी इन आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो डोज सबक्यूटेनियस हिपेरिन थेरेपी इज इंडिकेटेड फॉर, एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रिवेंशन ऑफ लेग वेन थ्रोम्बोसिस इन एल्डरली पेशेंट्स अंडरगोइंग एब्डोमिनल सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपेरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ब्लीडिंग ड्यू टू डिफिब्रिलेशन सिंड्रोम, सबक्यूट बैक्टीरियल एंडोक्राइडिटिस, एंड ऑप्शन डी है लार्ज मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्लीडिंग ड्यू टू डिफिब्रिनेशन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिपेरिन इन केस ऑफ ओवरडोज,
ऑप्शन से हिपेरिन सल्फेट, डेक्सट्रॉन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट एंड ऑप्शन सी है एन क्रॉड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटामाइन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड लेवल ऑफ विच क्लॉटिंग फैक्टर डिक्लाइंस मोस्ट रैपिडली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ वेरफिरिन थेरेपी। ऑप्शन है फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10 एंड प्रोथ्रोम्बिन। एंड राइट आंसर ऑप्शन ए, फैक्टर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट्स एक्सेप्ट। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दे इंटरफेयर विद एन अर्ली स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। ओके फ्रेंड्स, पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।